कंपनी की गाड़ियों का अंत हो जाता है। यू ले जाओगे ना नेक्सा के थ्रू, तो नेक्सा के थ्रू होते हुए वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बहुत मुझे पसंद है। यू करनी है और वहां से जो है यू करनी है, बस उसको ऑटोमेटिक ही करते यार ये क्या दे रहे हो, वो क्या दे रहे हो, तो दिखता है बाहर से भी और अंदर से भी, दिखते नहीं है मुझे इसमें कोई भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन बलूनी और आप देख रहे हो ऑटो मॉडल्स। आज एपिसोड नंबर 3 है जो कि फाइनल एपिसोड है मारुति के बारे में, और ये हमारी सीरीज का नाम है कार्स टू लुक फॉर। अब आज जिस सेगमेंट की मारुति की हम बात करने जा रहे हैं वो है 12 से 15 लाख के बीच, और ये फिनाले यही इसलिए मारुति का क्योंकि मारुति की गाड़ियों का अंत हो जाता है, उसके आगे मारुति कोई गाड़ी बनाता ही नहीं है। अब रीजन सिंपल सा है कि मारुति लेने वालों का बजट बड़ा टाइट रहता है और प्रेफरेंस ही मारुति स्टार्टिंग से ये है कि बजट में मारुति अच्छी गाड़ियां बनाती है इसलिए। तो अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो उसको मिस मत कीजिए, मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, आप जरूर जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा वो ऑन रोड दिल्ली हैं। अब बात करें आज की गाड़ियों की, तो खाली 3 गाड़ियां इस सेगमेंट में हम देख सकते हैं। एक है आपकी एस क्रॉस, एक है आपकी XL6 और एक है विटारा ब्रेजा। अब तीनों ही मेरी अच्छी काफ़ी फेवरेट गाड़ियां हैं, बहुत मुझे पसंद है। और मैं आपको बता दूं कि ये 3 ऐसी गाड़ियां हैं जहां पर आपको जो है सेफ्टी के बारे में वरीड नहीं रहना है। हाँ ज़रूर XL6 में आपको हल्की सी सेफ्टी का आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत कम है बाकी दोनों से, लेकिन फिर भी तीनों मजबूत गाड़ियां हैं, आप बेझिझक उनको ले सकते हैं। अब तीनों के बारे में खास बातें क्या हैं और बुरी बातें क्या हैं, खैर बुरी बातें तो कुछ भी नहीं है, बुरी बातें एक सेफ्टी की ही होती है, और बुरी बात के मामले में जो है अब मारुति ने इन 3 गाड़ी में जो है ख़त्म कर दिया। तो सेफ्टी अच्छी खासी गाड़ी में जिसकी मुझे हमेशा शिकायत रहती थी, तो नेगेटिव पॉइंट्स में फिलहाल तो मैं लिखते नहीं है मुझे इसमें कोई भी, और मुझे अच्छी भी लगती हैं तीनों गाड़ियाँ, चाहे लुक्स की बात कर लो चाहे परफॉर्मेंस की बात कर लो। ठीक है, तो पहली गाड़ी से शुरू करते हैं XL6। अब XL6 जो है जो आपने देखी थी यार अर्टिगा, उसका जो है एक खूबसूरत रूप है। तो अब अर्टिगा का ऐसा है ना, देखो अर्टिगा को अगर आप यूं ले जाओगे ना नेक्सा के थ्रू, तो नेक्सा के थ्रू होते हुए वो XL6 बन के निकलेगी। सेम गाड़ी है, सेम प्लेटफॉर्म है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो खाली कॉस्मेटिक चेंजेस का। ठीक है, अब कॉस्मेटिक चेंजेस खूबसूरती से होती है गाड़ी की, लेकिन वो ऐसे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो दिखते हैं यार। 1 लाख रुपये का अगर अंतर है दोनों में तो दिखता है बाहर से भी और अंदर से भी, ये मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। काफ़ी प्रीमियम लगती है यार गाड़ी, और अंदर भी आपको अच्छे खासे कंट्रोल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यार जो XL6 का जो बेस मॉडल है वो है जेटा, अब इसमें सिग्मा वगैरह नहीं आता, और जो उसका टॉप मॉडल है वो अल्फा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो जेटा की प्राइस है वो है 11.7 लाख रुपीज़, और जो इसका अल्फा है वो है 13.85 लाख रुपीज़। मुझसे पूछेंगे तो वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियसली आपका जेटा है, क्योंकि आप अगर इनका ब्रोशर भी उठा के देख लेना सामने से तो कुछ अंतर नहीं है। एक ही अंतर जो दोनों में मिलता है आपको जेटा और अल्फा में, वो ये है कि आपको ऑटोमेटिक IRVM नहीं मिलेगा, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या ही फर्क पड़ता है अगर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिला है, अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ यूं जाता है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली कहते हैं। तो ठीक है, अब जैसे बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली आपने जो है बारिश का भी आपने पानी साफ कर देना है। तो यार दिक्कत की कोई बात नहीं है, 1 लाख रुपये बच जाएंगे आपके, तो आप जो है जेटा ले लो, उससे ज़्यादा कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलता यार। ठीक है, तो वैल्यू फॉर मनी जेटा है, XL6 आप उठा लो, खुश रहोगे, और परफेक्ट फैमिली कार है, जिसको भी बैठना है बैठो और जहाँ भी जाना है जाओ, कैप्टन सीट्स के साथ आती है भाई, तो लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको जब कंफर्ट की बात आती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इंडिविजुअल सीटिंग मिल जाएगी और आराम से बैठ के जाइएगा। अब अगली गाड़ी जो है एस क्रॉस, अब एस क्रॉस में भी क्या है कि उसके दोनों मॉडलों में जो है भाई कोई डिफरेंस ही नहीं है ज़्यादा, ऑटोमेटिक का डिफरेंस जो आपको बताया। ठीक है, तो वही सब आपने कर लेना है बार बार, है ना, कैसे खोलते हो लाइट जब अंधेरा हो जाए, यूं करनी है और वहां से जो है यूं करनी है, बस काम हो गया, 1 लाख रुपये बच गए। तो उसका भी आपने जो है जेटा वेरिएंट उठाना है, वो भी बहुत ही दमदार गाड़ी है। एक तो सबसे अच्छी बात उसकी जो बिल्ट है ना यार, बिल्ट बहुत ही लाजवाब है, जैसी वो बाहर बनी थी ना सीधा उठा के उसको यहाँ ला गए आलस में, और आलस में वो गाड़ी चल गई भाई। तो ऐसी गाड़ी है ना वो मारुति की जो आपको लेनी ही लेनी चाहिए अगर आप ले रहे हैं, और आप जेटा ही उठाइए उसका, अल्फा की तरफ मत जाइए, ज़्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं, शानदार बिल्ट है, इसको याद रखिएगा। तो ये गाड़ी रिकमेंडेड में है। ठीक है, अब देखिए ब्रेजा की मैंने उस समय भी बात की थी पिछली वीडियो में, 7 से 12 लाख के बीच में, जहाँ पर मैंने आपको उसका बेस मॉडल सजेस्ट किया था। लेकिन अगर आपको मारुति की गाड़ी चाहिए, SUV चाहिए और पैसा लगा सकते हो, तो आप ब्रेजा का टॉप मॉडल ले सकते हो, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। खास बात ये बताऊँ कि अगर आपको नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं, आप जाके जाइए वहाँ पे अरीना में और बोलिए उनसे यार ये क्या दे रहे हो, वो क्या दे रहे हो, थोड़ा और कुछ दो, तो वो आपको जो है एक्स्ट्रा चीज़ें लगा के दे देते हैं बहुत ही कम दामों में।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वायरलेस चार्जिंग भी उसमें लगवा सकते हो कंपनी से ही, उनसे वायर्स ले सकते हो अलग अलग टाइप की, टाइप सी, यूएसबी, सब कुछ, मतलब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस वो देते हैं काफ़ी। आपको पता ही है यार मारुति की सर्विस कैसी है, तो आप ज़रूर से ब्रेजा का टॉप मॉडल आप उठा सकते हो। ऑटोमेटिक में भी ये मिलती है ऑटोमेटिक, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हद पार कर देती है भाई, 13 लाख का तो कौन ही लेगा ऑटोमेटिक। तो आप ज़रूर से इसको जो है आप टॉप मॉडल उठा लो मैनुअल में, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है और सेफ्टी भी एक नंबर है। तो ये था हमारा वीडियो मारुति की 12 से 15 लाख के बीच की गाड़ियों का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको बता दूँ कि जो अगली वीडियोज़ होंगी इस सीरीज़ की, वो एक नए ब्रांड के साथ होंगी। मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए कि कौन से ब्रांड का अगला ये सीरीज़ बनाए, उस पर हम ज़रूर से काम करेंगे और आपको डिलीवर भी करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।